सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है खाना खजाना विद अंजलि की रेसिपी में। मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाइए गरम गरम अंडे। तो अंडे की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड अंडा और अंडे का आमलेट। फ्रेंड्स, ब्रेड अंडे की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंडे का आमलेट बनाने के लिए पहले हम प्याज को काट लेंगे, पतला पतला छोटा छोटा सा, ये देख लीजिए इस तरीके से। प्याज को काटने के बाद ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने एक गिलास लिया है, आप चाहे तो कटोरी ले लीजिए और इसमें प्याज डाल देंगे। मैं फ्रेंड्स, दो अंडा बनाने के लिए मैंने आधा गिलास प्याज और मिर्चा लिया है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप दो मिर्चा काट लीजिए, अगर कम पसंद है तो एक मिर्चा। फ्रेंड्स, आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। इसके बाद फ्रेंड्स, हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो अब हम अंडे को तोड़ देंगे और ग्लास में डालेंगे। ये देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से तोड़ना है और उसके बाद ऐसे डाल देना है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से डाल दें। इसी तरीके से हमें दूसरा भी अंडा तोड़ लेना है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमें एक चम्मच ले लेना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है चम्मच से। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। फ्रेंड्स, अब हम गैस पे तावा रख देंगे और उसमें दो बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा तेल गरम हो गया है तो अब हम अंडा डालते हैं। अंडे को बीच में डालते जाना है जहाँ पे तेल है, ताकि तेल आराम से फैलता जाएगा और अंडा भी, तब आमलेट का शेप आएगा। अंडे को अच्छे से गोला शेप दे देंगे ताकि आमलेट बन सके। गैस को मीडियम फ्लोर पे रख के इसको पका लेंगे। ये देख लीजिए, हमारा अंडा लाल हो गया है। अब हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे पकने के लिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरीके से उसको पलट दिया है। देख लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम दूसरी तरफ इसको पकने देंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरी तरफ अच्छे से पक गया है। अब हम इसको उतार देंगे, इसको प्लेट में रख लेंगे। फ्रेंड्स, प्लेट में निकाल लेंगे आमलेट को। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आमलेट कितना अच्छा और लाजवाब दिख रहा है, टेस्टी दिख रहा है एकदम। देख लीजिए, खाने में काफ़ी चटपटा रहेगा। ले लिया है, अब हम ब्रेड को सेक देंगे तावा पे। ब्रेड को अच्छी तरीके से सेक देंगे, देख लीजिए। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तावे पे बटर डाल दीजिए और ब्रेड को अच्छी तरीके से सेक लीजिए। जी फ्रेंड्स, हमने ब्रेड को अच्छी तरीके से दोनों साइड पलटते जाना है जब तक ब्रेड अच्छी तरीके से लाल ना हो जाए। जी फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड सेक आ गया है। अब हम चलते हैं ब्रेड आमलेट की तरफ। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, हमें आमलेट को बीच में से काट देना है।
चाकू से काटे या फिर चम्मच से काट दीजिए। सो फ्रेंड्स, जो हमने आमलेट को काटा है उसको ब्रेड पे रख देंगे। आप चाहे तो ब्रेड पे रेड सॉस भी डाल सकते हैं और ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं दोनों तरफ ब्रेड पे। फिर उसके बाद बंद कर दीजिए ब्रेड को। इसी तरीके से हम दूसरा भी ब्रेड बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा ब्रेड आमलेट तैयार हो गया है बनके। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दोनों ब्रेड बनके तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने रेड चिल्ली सॉस लिया है, आप चाहे तो सॉस लीजिए टमाटो सॉस, और इसको स्माइली में बना रही हूँ। कुछ भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, हमारा स्माइली बन गया है। दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड अंडा बन के तैयार हो गया है। दिखने में कितना लाजवाब और टेस्टी लग रहा है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय बाय और हैप्पी गणेश चतुर्थी।